Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. So today we are going to resume our discussion on the chapter The Rise of Nationalism in Europe. And in this chapter we will see the making of Germany and Italy. Let us understand first the making of Germany. Germany ki shuruaat kaise hui? Means here question comes that can Germany be the architect of a nation? क्या जर्मनी एक नेशन के लिए आर्किटेक्ट हो सकता है? राइट, आर्किटेक्ट हियर मींस कि नेशन का जो कंसेप्ट इमर्ज हुआ है कि उसमें जर्मनी का क्या रोल रहा. तो सबसे पहले हम ये समझें कि 1848 के बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था वो लोगों के अंदर आने शुरू हो गए. और इसका कारण ये रहा कि कंजर्वेटिव रिजीम्स, जो कंजर्वेटिव एरा है, वो धीरे धीरे कम होने लगे. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यूरोप के अंदर पॉलिटिकल और स्टेट पावर को कैप्चर करने के लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी. आवाज़ क्या उठानी शुरू कर दी कि जो लोगों का अधिकार है, मतलब एज अ नेशन होना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स उनके पास होने चाहिए. राइट, सो इन जर्मनी द नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इन टू वन नेशन स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट. 1848 का टाइम है जब जर्मनी के लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि जो हमारा देश है, हमारा जो नेशन है, वो एक होना चाहिए. क्योंकि इट वॉज अर्लियर रूल्ड बाई डिफरेंट किंग्स, वो ख़त्म होकर एक होना चाहिए. और वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग थे वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने लगे. राइट्स के लिए आवाज़ इसलिए उठाने लगे क्योंकि उन्हें अब ये फील होने लगा कि ये देश उसका भी है और देश के अंदर उनकी हिस्सेदारी भी बनती है. राइट, सो 1848 में ऐसी फीलिंग्स लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई थी. दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो लिबरल इनिशिएटिव, आज़ाद ख्याल का जो इनिशिएटिव था, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्क एंड मिलिट्री. शुरुआत में जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो मोनार्कियल सिस्टम और मिलिट्री का जो सिस्टम, जो पुराने ख्याल के लोग थे, जो किंग्स थे, वो अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने इन लिबरल जैसे लोगों को दबाने की कोशिश की कि तुम एक देश चाहते हो जिसमें सबको वोटिंग का अधिकार हो, फिर गरीब अमीर में डिफरेंस क्या रह जाएगा, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा. ये शुरू में किया गया लेकिन वर एंड देवर सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स, उन्होंने जंकर, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, वो मोनार्कियल सिस्टम को, वो मिलिट्री को सपोर्ट करते थे, ये जो लिबरल लोग थे इनको दबाइए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. धीरे 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 जो है जर्मनी का जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है, इसका पहला इनिशिएटिव प्रशिया के द्वारा लिया गया. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज टेकन बाय प्रशिया अनकॉन्शियसली, मतलब बोलते ना गलती से ले लेना, वो शुरू हो गया. व्हेन प्रशिया एस्टैब्लिश्ड जोलवरीन और कस्टम यूनियन ज्वाइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स. प्रशिया ने क्या किया, जोलवरीन एस्टैब्लिश किया, जहाँ पर पहले बहुत सारे टैरिफ्स लगते थे, अब उस टैरिफ को हटाकर एक सिंगल टैक्स देने की बात आ गई, या कुछ एक जगह टैक्स देने की बात आ गई. तो दिस जोलवरीन सिस्टम वॉज इनिशिएटेड बाय प्रशियन. और प्रशियन के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किसने किया, बहुत सारे जर्मन नेशन ने ज्वाइन कर लिया. जो जर्मन कॉन्फेडरेशन अलग अलग थे उन्होंने ज्वाइन किया, या जर्मन स्टेट्स आप कह सकते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया. तो एक तरह से देखिए यूनिफिकेशन में यहाँ पर जर्मनी, प्रशिया ने गलती से जर्मनी को अपने साथ जोड़ लिया. आगे क्या हुआ, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. जोलवरीन के बहाने प्रशिया ने नेशनल मूवमेंट के लीडरशिप को आगे बढ़ाया या टेकअप किया. उस समय प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वान बिस्मार्क. ओटो वान बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. प्रशियन आर्मी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो नौकर साह, जो इलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स आप जिसे कहते हो आज के डेट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो टैक्टफुली किसी चीज़ को डील करते हैं, दे आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों की मदद से जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस को पूरा किया गया, जिसके कुछ मेजर इवेंट्स हैं. पहला इवेंट क्या था,
कि द वॉर विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस रनिंग ओवर 7 ईयर्स, ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के साथ फ्रांस के साथ 7 साल की जो लंबी लड़ाई चल रही थी उसमें प्रशियन विक्ट्री हुई एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, यानी जर्मन जो कि पहले छोटे छोटे नेशन स्टेट्स में बटा हुआ था अब एक कम्प्लीट नेशन बनकर उभरा। ठीक है, सेकेंड, इन जनवरी 1871 में द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। 1871 में एक सेरेमनी हुई जहाँ पर प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को सर्वसहमति से राजा चुन लिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ऑन जनवरी 1871 एन असेंबली कॉम्प्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स। 1871 में ही 18 जनवरी को एक दूसरी सेरेमनी हुई जिसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के प्रिंस आए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आर्मी चीफ्स, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स आए इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ आए और उन्होंने सर्वसहमति से मिलकर कैसर विलियम फर्स्ट को प्रशिया का किंग बना दिया, जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस में जिन्होंने मदद की थी। न्यू स्टेट जो जर्मन नेशन जो नया बना, इट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज किया। ठीक है, लीगल सिस्टम को ठीक किया, जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया इन जर्मनी। द प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, और जो प्रशियन मॉडल था, जो प्रशिया का इनिशिएटिव था, वो बाकी जर्मन्स के लिए एक मिसाल का काम किया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक्चुअली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन द सेम वे इटली की यूनिफिकेशन की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बात यह है कि जब 19th सेंचुरी का समय था, मिडिल एरा जिसे आप कह सकते हैं, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यू नो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली जो थे 7 स्टेटों में बटे हुए थे अलग अलग, एंड ऑफ कोर्स उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट था जिसका नाम था सार्डिनिया पाइडमेंट, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस, मतलब कि जो प्रॉपर इटालियन किंग होते हैं उसके द्वारा रूल किया जा रहा था। ठीक है, नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैसबर्ग एम्पायर के अंडर में था, सेंटर जो था वो पोप, जो चर्च के फादर होते हैं, उनके द्वारा कमांड किया जा रहा था। साउदर्न रीजन्स जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था, और बहुत सारे जो इटालियन लैंग्वेजेस थे उनके भी वेरिएशंस बने हुए थे। मींस इटली के अंदर इटालियन लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऐसे ऐसे वेरिएशंस थे जो खुद ही बता रहे थे कि इटली आपस में यूनाइटेड नहीं है बल्कि डिवाइडेड है। लेकिन यूनिफिकेशन का काम हुआ। यूनिफिकेशन का कैसे काम हुआ, 1860 की बात है कि जो आर्मी थी, आर्मी का मतलब जो रेगुलर ट्रूप्स और जो वॉलंटियर्स होते हैं खास करके मिडिल क्लास, इन लोगों ने अपनी आर्मी बनाई, जोड़ना शुरू किया, मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। साउथ इटली में मार्च किया और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज जो कि ऑस्ट्रियन रूल किया जा रहा था किंग ऑफ स्पेन के द्वारा, उनको हरा कर आर्मी ने वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट उनको मिला, और जो स्पेनिश रूलर्स जो इस टू सिसिलीज को रूल कर रहे थे उन्हें वहाँ से हटाया गया, और धीरे धीरे यहाँ पर जो इटालियन हाउस है, मतलब इटालियन प्रिंस सार्डिनिया पाइडमेंट का जो था, वो धीरे धीरे कब्जा हो गया। और 1861 में सबकी सहमति से विक्टर इमैनुअल को यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया गया। अब इसके साथ और क्या क्या हुआ, कुछ और स्टेट्स भी रह गए, जैसे स्टेट्स ऑफ टस्केनी, स्टेट्स ऑफ मोडेना, स्टेट्स ऑफ पार्मा एंड द पप्पल जॉइंट हैंड्स विद सार्डिनिया। ये जो स्टेट्स थे, मोडेना, टस्केनी, पामा, पप्पल, इन्होंने सार्डिनिया के साथ ज्वाइन कर लिया, सार्डिनिया के साथ मिल गए। अच्छा, सार्डिनिया का रूलर कौन था, ऑलरेडी जो इटालियन किंग था वही रूल कर रहा था। ठीक है, 1860 के मार्च तक, बाय द मार्च ऑफ 1860 द एंटायर सेंट्रल इटालियन स्टेट्स वर यूनानिमसली यूनाइटेड विद पाइडमेंट। 1860 तक जो पूरे जो इटालियन के इलाके थे जहाँ पर इटालियन लैंग्वेज होता था
वो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से सार्डिनिया पैडमेंट के साथ जुड़ चुके थे एंड रोम बिकेम अ पार्ट ऑफ द साइड सार्डिनिया, रोम जो है सार्डिनिया का एक भाग बन चुका था। और इस तरह से फाइनल यूनिफिकेशन जो इटली का था वो 1871 में डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज डिक्लेयर्ड इन 1871, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल यूनिफिकेशन वॉज डिक्लेयर्ड इन 1871, राइट। सो इन दिस वे डिफरेंट किंगडम्स हु वर नॉट अ पार्ट ऑफ इटली ज्वाइन हैंड्स टुगेदर एंड सी, सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो रही है कि जितने भी लोकल पीपल हैं, जितने भी लोकल पीपल हैं, चाहे वो पीजेंट्स हों चाहे वो मिडिल क्लास वर्कर्स हों, इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लोकल लोग हैं यही लोग किसी न किसी तरीके से किंगडम को मिलाने में भी काम कर रहे हैं, यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इटालियन स्टेट्स की जो कि वन अनदर वे यूनाइट हुए एक दूसरे से, तो इनमें शायद कहीं ना कहीं आर्मी के साथ साथ जो लोकल लोग था उनका सपोर्ट रहा ही होगा, तभी जाकर इटली की यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाई, राइट। नाउ विल सी द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द केस ऑफ ब्रिटेन, राइट। देखिए ब्रिटेन जैसे आज हम जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एक समय एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी इसकी, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी तब बनी जब ब्रिटेन ने पार्लियामेंट से, मतलब 17 सेंचुरी के आसपास आप कह सकते हैं 1680 में, जब इन्होंने मोनार्कियल सिस्टम से आइडेंटिटी को छीन ली। सबसे पहले कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो ब्रिटेन जो आज नेशन स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपील और रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में ऐसा कोई रिवॉल्यूशन या कोई अपील नहीं हुआ था। ब्रिटेन में भी बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग रहते थे, जैसे स्कॉटिश रीजन, वेलोनिया रीजन, आयरिश रीजन, ठीक है, इंग्लैंड, इंग्लिश के लोग, और इनकी अपनी आइडेंटिटीज थी, इनकी आइडेंटिटीज भी अलग अलग थी, राइट। सो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century। 18th century के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, ठीक है। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश इजल्स मीन्स दैट लैंड वर एथनिक वंस लाइक इंग्लिश, लाइक वेल्स, लाइक स्कॉटिश और आयरिश। सो द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज अ नेशन कैन बी अंडरस्टूड विद दीज पॉइंट्स। फर्स्ट, एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, जैसे जैसे इंग्लिश नेशन के पास पैसा होने लगा, तो जब किसी के पास पैसा होता तो पावर की उसकी इच्छा होती, तो पावर भी इन्होंने गेन करना शुरू कर दिया, और आसपास के जो भी नेशन स्टेट से जो कमज़ोर थे इनको दबाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो एज द नेशन स्टेट्स ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आइलैंड। आसपास के जो आइलैंड के पास अलग नेशंस थे उस पर इन्होंने अपना पोजिशन जमाना शुरू कर दिया, चूंकि इनके पास अब वेल्थ हो चुका था, राइट। सेकेंड, द इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसने मोनार्की से पावर सीज कर लिया 1688 में एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। एक लंबी जो है खींचा तानी लड़ाई के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से अपना ताकत जो है छीन लिया, इंग्लिश पार्लियामेंट डोमिनेट कर गई और धीरे धीरे इंग्लैंड को एक नेशन स्टेट का दर्जा मिला। सो दिस इज हाउ इंग्लैंड, यू कैन से ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। तो आज इस वीडियो में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द केस ऑफ इंग्लैंड देखा, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इनटू यूनाइटेड किंगडम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, कैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाया गया, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप स्माइलिंग, थैंक यू।